हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। दोस्तों, जितने भी विश्वविद्यालय महाविद्यालय कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए बड़ी अपडेट हम इस वीडियो के माध्यम से लेकर आए हैं। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती से जुड़ी अपडेट है। छत्तीसगढ़ के जो कॉलेज में नया बदलाव होने जा रहा है, अब वार्षिक परीक्षा के पहले एक और आवेदन फॉर्म डालना अनिवार्य होगा। जी हाँ दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट हम इस वीडियो के माध्यम से लेकर आए हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, ये जो पेपर कटिंग शो हो रहा है, वार्षिक परीक्षा के आवेदन से पहले प्रैक्टिकल के लिए पंजीयन जरूरी, बताना होगा कॉलेज का नाम। ठीक है, वार्षिक परीक्षा के पहले जो प्रैक्टिकल होता है उसके लिए पंजीयन होना बेहद ही जरूरी हो गया है। जी हाँ दोस्तों, देखिए क्या है पूरी जानकारी। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी गई है। छात्रों से इसी माह आवेदन मंगाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए भी दिशा निर्देश तय कर दिए गए हैं। प्राइवेट परीक्षा के रूप में परीक्षार्थी जो है परीक्षा दिलाने वाले छात्रों को प्रायोगिक परीक्षा के पहले पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। वार्षिक परीक्षा के लिए आवेदन के दौरान छात्रों से प्रायोगिक परीक्षा के संबंध में जो है पहले क्या है पंजीयन जरूरी होगी। क्यों बदलाव किया गया है, तो देखिए, जो प्राइवेट छात्रों द्वारा पहले वार्षिक परीक्षाओं के लिए आवेदन करने तथा बाद में प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए तत्काल रूप में महाविद्यालय संपर्क करने के कारण व्यवस्था बनाने में दिक्कतें आती थी, यही वजह है कि इस बार ऐसा बदलाव यूनिवर्सिटी प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। देखिए, प्रायोगिक परीक्षा, प्रायोगिक कक्षाएं क्यों जरूरी है। प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन जनवरी फरवरी के माह में होना है। वार्षिक परीक्षाएं मार्च अप्रैल में संभावित है। इसके पूर्व जनवरी फरवरी में नियमित छात्रों की प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। कोरोना संक्रमण के कारण बीते 3 सालों में कई बार सैद्धांतिक परीक्षाओं के बाद प्रायोगिक परीक्षाएं ली गई है। इस बार सभी कक्षाओं में सभी विषयों की प्रायोगिक परीक्षाएं सैद्धांतिक से पहले ली जाएगी। प्राइवेट छात्रों के लिए प्रैक्टिकल कक्षाएं भी लगाई जाएंगी। परीक्षा का पंजीयन मांगा जाए। इसके अलावा देखिए, प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले प्राइवेट छात्रों के लिए भी जो है प्रैक्टिकल होना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रैक्टिकल एग्जाम के पहले प्राइवेट से जो कॉलेज करेंगे उसको क्लास जाना जरूरी होगा प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, छात्र जिस महाविद्यालय का चयन करेंगे उन्हें उन्हीं परीक्षा केंद्रों में कक्षाएं जाना होगा, कक्षा संचालित होगा। ठीक है, इसके पूर्व प्राइवेट छात्रों द्वारा सीधे वार्षिक परीक्षा में के लिए, देखिए सार बात हम बात करें तो जैसे आपका रेगुलर नहीं है, प्राइवेट है, प्राइवेट से यदि आप बीएससी कर रहे हैं, ठीक है, तो प्राइवेट से आप बीएससी कर रहे हैं तो फॉर्म के पहले आपको एक और पंजीयन कराना होगा वार्षिक परीक्षा के पहले। और जिस कॉलेज में आप पंजीयन कराएंगे उसी कॉलेज में आपको प्रतिदिन विद्यालय कॉलेज जाना होगा, प्रैक्टिकल की कक्षाएं लगेंगी। ठीक है, उसके बाद में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। तो ये नया बदलाव जो निकल कर सामने आया है इस साल की यूनिवर्सिटी की जो नई अपडेट्स में। ठीक है दोस्तों, इस अपडेट में बस इतना ही। जय हिंद।